जनपद महोबा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 12 दिन पूर्व हुई हत्या की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को दबोच कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते एक घटना को अंजाम दिया गया था। जी हां, आपको बता दें कि महोबा कोतवाली क्षेत्र के करहरा कला गांव में 9 जनवरी की रात कालीचरण के 16 वर्षीय पुत्र अभिषेक की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव गांव के पास पहाड़ी में बरामद हुआ था। पुलिस ने मृतक के चाचा अर्जुन सिंह की तहरीर के आधार पर धारा 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। एसपी मणिलाल पाटीदार ने घटना का खुलासा करते के लिए एक टीम का गठन किया था, जो कि टीम ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी मोहन अहिरवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्त के मृतक की मां से अच्छे संबंध थे, इसी बात को लेकर मृतक का विवाद हो गया था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया। सर, पुलिस को अभी बड़ी सफलता हाथ लगी है क्या? ये दिनांक 9 तारीख को 15 साल के एक अभिषेक नामक व्यक्ति की पहाड़ी के ऊपर गोली मिली थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस थाना पुलिस कोतवाली और स्वाट की टीम हमारी लगी हुई थी, क्योंकि संयुक्त प्रयास से आज जो इसका मैन अभियुक्त है मोहन को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराया गया। मोहन का मृतक अभिषेक के घर में आना जाना था, उसका पिता जमाने बाहर अभी भी उसको ये डर था कि कहीं जो ये अभिषेक मृतक है वो उसके बारे में अपने पिता को ना बता दे या उसकी हत्या ना कर दे, तो उसी अंदेश में इसने पहले से ही उसको वहाँ पहाड़ी पर ले गया जुआ खेलने के बहाने और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी। तो अभी थे उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया और जो तमंचा प्रयोग किया गया था गोली मारने में वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। महोबा से UP24 न्यूज़ के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।